और बात करते हैं रीवा की, जहां 34 करोड़ की लागत से बने रेलवे तिराहा स्थित 3 लेन फ्लाईओवर का औपचारिक रूप से लोकार्पण कर जनता को समर्पित कर दिया गया है। आपको बता दें कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के चलते जिले में आचार संहिता लागू है, जिसके चलते विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी के MD विजय मिश्रा के द्वारा फीता कार्ड का लोकार्पण किया गया। इस दौरान DSP यातायात मनोज शर्मा सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बता दें कि त्रिकोणीय फ्लाईओवर की कुल लंबाई 1100 मीटर है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट जी, 4 न्यूज। चालू है का उद्घाटन नहीं हुआ है। ये हमने इसको बनाया है और इसका आज जनता को समर्पण कर रहा हूँ और ये अध्यादेश हो जाने के बाद फिर इसका विधिवत उद्घाटन किया है। अभी टेस्टिंग। आपका नाम? विजय मिश्रा, कंपनी का मंत्री डायरेक्टर। विजय कुमार मिश्रा का श्रम प्राइवेट लिमिटेड जिसने पुल बनाया है उसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। कितनी लागत से बनाया? ये है 34 करोड़ का। क्या समय अवधि क्या थी? इस समय अभी 28 महीने थी, पर चूंकि इसमें कोरोना काल का संकट भी आया और सबसे ज़्यादा हाई टेंशन लाइन थी, इसके कारण जो है थोड़ा देरी हुई। इसमें 1.5 साल ज़्यादा लग गया। और दूसरे को आज टेस्टिंग का कार्यक्रम था ना? आज टेस्टिंग का जनता को सौंप दिया है मैंने, बाकी वो शासन स्तर पर विधिवत इसका लोकार्पण किया जाएगा। आचार संहिता के कारण जो है ये लोकार्पण नहीं किया जा सका, पर जब पुल बन के तैयार हुआ तो हम लोग सौंप दिए जनता को, अपनी तरफ से सौंप दिया अपनी तरफ से।